तो हाय गाइस, कैसे हो? हाई सब बढ़िया होंगे, ठीक हो? फैली गाइस आ चुके हैं बड़े मियाँ यानी कि अक्षय कुमार छोटे मियाँ टाइगर श्रॉफ की एक और न्यू एपिसोड में वापिस। तो गाइस अभी इवनिंग का टाइम बस स्टार्ट होने वाला है एंड जस्ट 9 hours to left और भाई देखेंगे अब तक एडवांस बुकिंग की गाड़ी है वो कहाँ तक पहुँच चुकी है, क्या हमें वो मोमेंटम देखने को मिला है या फिर नहीं। इससे पहले स्पीड काफ़ी ज़्यादा स्लो चल रही थी और आज उम्मीदें थी कि स्पीड में हमें अच्छा खासा इंक्रीज जंप है वो देखने को मिलेगा बिकॉज ऑफ आई फाइनल डे है और आज नहीं तो फिर कभी नहीं। और देखो मैं एक चीज़ और क्लैरिफाई कर दूँ स्पेशली फॉर अक्षय फैंस, टाइगर फैंस, अब भी नहीं करोगे ना तो फिर कभी नहीं कर पाओगे। देखो अक्षय कुमार पीछे 22-23 जो हुआ हम सभी को पता है एंड ये एक बड़ी ह्यूज मूवी है एंड बड़े मियाँ छोटे मियाँ मुझे पता है कि अभी ट्रस्ट एज अ न्यूट्रल ऑडियंस भाई उनको तो बचा ही नहीं है क्योंकि विकास ये अक्षय कुमार की गलती है। मैं एक चीज़ और क्लैरिफाई कर दूँ, जो अक्षय कुमार ने खुद इंटरव्यू दिया था बताया था कि मैं जो स्टार्टिंग से काम करता आया हूँ मैं वैसे ही करूँगा। मेरे एक टाइम ऐसा भी आया था कि मेरी 60 मूवीज़ बैक टू बैक फ्लॉप हुई थी बट कोई बात नहीं मैं आगे भी ऐसा करूँगा। नहीं भाई वो टाइम गया, एज ऑफ नाउ 24 चल रहा है, कोविड आफ्टर एंड बिफोर काफ़ी कुछ चेंज मतलब चीज़ें गाइस वो चेंजेस हो चुकी हैं, आपको टाइम के हिसाब से ही आगे बढ़ना होगा। ऐसा ही चलता रहेगा तो फिर क्या ही बोलूँ मैं ना। वो सबसे पहले एडवांस बुकिंग की ओर मूव करते हैं। हिंदी 2D वर्जन ऑलमोस्ट 80 lakh के आसपास एडवांस गाइस हो चुका है, 34,000 टिकट्स हैव बीन सोल्ड, एवरेज टिकट प्राइस 200 अंडर है। एंड 3D की ओर मूव करते हैं, ऑलमोस्ट 62 lakh, 21,000 टिकट्स हैव बीन सोल्ड, द वर्जन 2.50 lakh एंड 2,700 टिकट्स हैव बीन सोल्ड, द वर्जन मतलब कि तमिल, तेलुगु एंड मलयालम। एंड IMAX ऑलमोस्ट 800 टिकट्स है गाइस वो बेचे जो कि टोटल ऑफ कहीं ना कहीं 1.55 crore के आसपास ऑलमोस्ट एडवांस नंबर है गाइस हो चुका है और 60,000 प्लस टिकट्स हैव बीन सोल्ड एंड 7,000 के आसपास शोज है पूरे भारत में, 7,000 प्लस शोज। हाँ मास मसालेदार मूवी है, 7,000 शोज काफ़ी जायका। मैं अभी खाली में दो तीन मूवीज आई थी जैसे क्रू हो गया, तेरी बातों में ऐसा उर्जा जिया हो गया, कई सारी मूवीज आई थी भाई उनके भी साथ साथ 8,000 प्लस शोज थे। मेरे ख्याल में तेरी बातों के तो 10,000 के आसपास शोज थे एंड ये सब देखते हुए शोज का काफ़ी ज़्यादा कम है। इवन जो शैतान मूवी थी ऑलमोस्ट 12,000 के आसपास शोज थे, तो बट ये अभी क्लैश में आ रही है तो हमें थोड़े शोज तो ऑब्वियसली कम देखने को मिलेंगे बट 10,000, 11,000, इवन 12,000 के आसपास शोज तो एटलीस्ट जाने ही चाहिए डे नंबर वन में फिर भी, क्योंकि मैदान वो लेवल की एडवांस नहीं चल रहा है। ऊपर से वो थोड़ा अलग जोनर्स की मूवी है, वो धीरे ही हमें अच्छे रिव्यूज निकल के सामने आए, पब्लिक का रिएक्शन अच्छा आया तो वो धीरे धीरे हमें नंबर्स में इंक्रीज है वो देखने को मिलेगा। तो यही एक रीज़न है और साथ में ये मसालेदार है तो इतना सब वाई डिजर्व करती है। और ऊपर से गाइस अभी ओनली फॉर 1.55 crore के मतलब 1.5 crore के आसपास एडवांस बुकिंग जो गाइस ये बिल्कुल भी अच्छी नहीं है, वेरी डिसेंट एडवांस बुकिंग है। बट हाँ कंपैरिजन टू पिछले फ्यू डेज मतलब कि जब से एडवांस ओपन हुआ है तो मोमेंटम आज पकड़ा है, वेरी गुड, बुक माय शो बाय ट्रेंड कर रहा है। पर हावर टिकट्स ऑलमोस्ट 2,000 के आसपास बिकना स्टार्ट हो ही चुके हैं, 1.7 के तो दिखा रहा है 2,000, जो कि इससे पहले ऐसा कभी नहीं हुआ था। इवन 24 hours तक भाई वो ट्रेंड नहीं दिखा रहा था तो ये देखकर अच्छा लगा कि चलो भाई वहाँ पे थोड़ा भी दिखाने लगा है। एंड ये तो रहा भाई टोटल ऑफ एडवांस बुकिंग रिपोर्ट अब तक की एंड अभी 6 to 7 hours लेफ्ट है, देखेंगे यहाँ फाइनल एडवांस बुकिंग कहाँ तक जा पाती है। एंड ओपनिंग गाइस जिस स्पीड से अभी एडवांस जा रहा है तो ये 2.5 to 3 crore के आसपास जाता है तो 15 crore के आसपास डे नंबर वन में, बट ये थोड़ा डिफिकल्ट होगा। और 15 crore, 15-20 crore के आसपास भी नंबर आना ये भी 11th of तारीख यानी कि tomorrow इवनिंग के शोज़ इवन नाइट के शोज़ ही डिसाइड करेंगे। और इवनिंग नाइट शोज अच्छे नहीं रहे, रिव्यूज थोड़े मिक्स टाइप रहे तो ये मामला 50-50 है, शायद कम भी आ सकता है इससे भी, चलो देखते हैं। एंड नेशनल मल्टीप्लेक्स चांस गाइज ऑलमोस्ट रेंज दिख रही है 40,000 के आसपास टिकट्स है वो बिक सकते हैं, 40,000 to 45,000 यहाँ पे बड़े में छोटे में यहाँ के, ये हम फाइनल की बात कर रहे हैं जो कि थोड़ा खराब सिचुएशन तो है ही है। राम से तो ऑलमोस्ट 39,000 टिकट्स नेशनल मल्टीप्लेक्स की बात करें, रक्षाबंधन 35,000, नेक्स्ट गाइज शमशेरा हो गया 46,000 है तो है भाई थोड़ा इससे बेटर हो सकता था, समान पृथ्वीराज ऑलमोस्ट 41,000 एंड अभी पीछे जैसे ड्रीम गर्ल 2 हो गया 54,000 टिकट्स भाई भेजे थे नेशनल मल्टीप्लेक्स में, ओपो साइड गदर 2 चल रही थी भाई पीछे एंड बोला अक्षय यहाँ पे अजय देवगन की 36,000 टिकट्स, फुकरे 30+, केरला स्टोरी 32,000, शहदादा रीमेक जैसी मूवी 30,000 प्लस टिकट्स और OMG 2 ये गाइस एक ऐसी मूवी है 22, 23, 24 अब तक की अक्षय कुमार की बात करें तो मोस्ट सक्सेसफुल मूवी से एक है, नंबर वन पे है, जिसने 150 crore के आसपास भाई नेट बिजनेस किया था। इससे पहले अक्षय कुमार 100 crore के लिए भाई स्ट्रगल कर रहे थे एंड ऑलमोस्ट 72,000 टिकट्स बेचे थे नेशनल मल्टीप्लेक्स चांस में, साथ में कौन था गदर 2, इतना बड़ा क्लैश, केवल 5,000 शोज मिले थे ऑलमोस्ट डे नंबर वन में।
तो ये तो ओवरटेक नहीं कर पाएगी सत्य प्रेम की कथा। वेरी गुड, 50,000 प्लस टिकट्स अगर इस बोबी गए थे। थोड़ा तो मामला डाउन है एंड थोड़ा इसे और बेटर हो सकता था, उम्मीद कर दें बचा हुआ टाइम में। एडवांस की स्पीड है अच्छी खासी, हमें यूज जंप अप देखने को मिले। और अभी गाइस शायद हमारा शाम को एक और एपिसोड आ सकता है 5 या फिर 6 बजे के बीच में। एंड बाकी शाम को भाई आज मैदान रिलीज हो रही है तो शायद हमारा 8-9 मतलब कोई एपिसोड अब नहीं आएगा। कोशिश करेंगे शाम को 11-12 बजे अगर टाइम मिला तो एक एपिसोड हम जरूर बनाएंगे। और उम्मीद करते हैं जब हम ये फाइनल एपिसोड बनाएंगे आज का एंड अच्छा आशा देखने को मिले और कहीं ना कहीं 3 करोड़ के आसपास चला गया यहां से सिचुएशन को देखते हुए, तो ये पिक्चर के लिए भाई सोने में सुहागा है। लेट्स सी गाइस, देखते हैं बाकी आज सभी के लिए।